इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। उसकी निंदा की जानी चाहिए, उस बात पर आपने चलो गठबंधन तोड़ लिया। केवल एक नहीं, मैंने उदाहरण दिया, छोटी सी बात में, इसमें 2005 का लोकसभा चुनाव में आपने साथ लड़ा था, उसके बाद 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ। 2005 के विधानसभा चुनाव में पलवल में अडवाणी जी ने कहा था, मुझे अभी भी याद है भाषण, कि कांग्रेस को वोट दे देना, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मत देना, और ये पार्टी बहुत धोखेबाज है और बहुत गलत पार्टी है और इस पर जनता का भरोसा नहीं है। उसके बाद मुझे याद करता हूँ, नहीं नहीं, मैं उन्होंने ये कहा था कि किसी से पार्टी को वोट देने से पार्टी का नाम लेने की बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं, आएंगे आप लोगों की बात लेंगे, समय थोड़ा कम होता है, लेकिन उससे पहले हम राहुल की टिप्पणी ले लेना चाहते हैं। 2009 में फिर उसी इनेलो के साथ इन्होंने गठबंधन किया, ठीक है, परंतु एक सेकंड लोग इंपोर्टेंट विषय और हमारे श्रेष्ठ नेता के 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। देखिए आडवाणी जी ने, आडवाणी जी किसी और पार्टी के चुनाव लड़ा गया था। शक्ति जी मैं अपना व्यक्तित्व बोल लेता हूं, आडवाणी जी का व्यक्तित्व या आडवाणी जी के कोई शब्द इतिहास में आप पैसे निकाल सकते कि उन्होंने कभी इनेलो के बारे में ये कहा कि ये घटिया पार्टी है, छोटी पार्टी है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मैं आपको जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा वोट कांग्रेस पार्टी को दे आना, इंटरनेशनल उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की जगह आप राष्ट्रीय पार्टी को दे देना, परंतु हमने कभी नहीं किया। ठीक है जवाब जी, राहुल ये जो आरोप लगता है कि बीजेपी की छवि हरियाणा में एक धोखेबाज पार्टी की बनती जा रही है, जिस पर जवाहर जी ने आपत्ति भी जताई, उनकी आपत्ति अपनी जगह सही हो सकती है, क्या यह सही है जिन राजनीतिक दलों के नाम लिए जाते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हम वैसाखी नहीं हैं, हम हरियाणा के निर्माण के लिए खड़ी होने वाली पार्टी हैं। देखिए जवाहर जी आपत्ति दर्ज कराते हैं, ये उनका दायित्व है, वो बिल्कुल कराएं, लेकिन हरियाणा की जनता और जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं वो जानते हैं भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास रहा है। आप हरियाणा के अंदर क्यों कहते हैं, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, उद्धव ठाकरे लगातार अपने सामना में लिख रहे हैं, कभी नितिन गडकरी जी के बारे में बोलते हैं जब गडकरी जी जाके और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, नहीं लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इनका राजनीतिक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधनों को लेके कहीं अच्छा नहीं रहा। लगातार नवजोत सिद्धू अमृतसर से सांसद रहे हैं, लगातार कई बार उनका लगातार किस तरीके से गठबंधन को लेके वहां की स्थिति रही है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटा है, लगातार नरेंद्र मोदी जी जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं आज देश के, उनको वो बिहार के अंदर जा नहीं पाए इनके गठबंधन की वजह से, ठीक है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी किस तरीके, और अभी नया नया उदाहरण लीजिए कि इनके मंत्रिमंडल गठन को लेके, तो राजनीतिक इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी का है अपने गठबंधनों के साथ कभी अच्छा नहीं रहा, और हरियाणा की राजनीति में और अडवाणी जी, और अडवाणी जी, अडवाणी जी ने स्पष्ट कहा था गठबंधन के दौरान, संध्या जी आपके पास भी आ रहे हैं जी, उन्होंने गठबंधन के दौरान जैसे शक्ति जी ने बताया निश्चित तौर पर, और ये उस समय के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां भी बनी थी, उन्होंने कहा था कि संक्षेप में बिल्कुल कांग्रेस हमें सिखा रही है, जिस शरद पवार ने ये कहा कि विदेशी मूल की महिला परंतु जब इनके ऊपर अटैक होता है शोर मचाना कांग्रेसियों की आदत हो गई है। जवाहर जी ने चार पांच फार्मूले सीखे, नहीं नहीं मुझे मैं समझा, मैंने आपसे नहीं सीखे, राजू जी मेरा बोलने का समय दिया जाए, ठीक है, हम जरा राजीव जेटली के पास जाना चाहेंगे, राजीव जेटली साहब जवाब साहब आपको वक्त, राजीव जी मैं इसका जवाब आपको वक्त देंगे, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, ये तरीका नहीं है, कोई आज जो व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का अपनी बात क्यों नहीं करते, उनको सब इनके अनुसार डिपेंड होगी, ठीक है जवाब साहब संक्षेप में आप फरमा, अभी जवाब नहीं ऐसे करते हैं, आज आज अगर शरद पवार ये कहते हैं कि विदेशी मूल की महिला किसी भी हक में भारत की प्रधानमंत्री नहीं होती, उनसे ये समझौता कर लेते हैं। मुलायम सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सीबीआई नाम के तोते को हमारे पीछे लाते, ये बताएंगे चंद्रशेखर की सरकार किसने गिराई, देवगौड़ा की सरकार किसने गिराई, ये वीपी और बाकी सरकारें किसने गिराई, जिन्होंने आज केवल जिन्होंने आज तक हमारे किसी ने यह नहीं कहा है, हमने कभी सीबीआई साहब जी हो गया मुलजदा नहीं चाहते, सीबीआई राजीव जेटली साहब कल गठबंधन के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है, आप लोग इस बैठक से क्या किसी धमाके की उम्मीद कर रहे हैं राजीव जेटली?
देखिए इनकी बैठक गठबंधन को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं इनकी पहले से चलती हुई आ रही हैं और जिस तरीके के भाव भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ टाइम में दिखाए हैं उससे साफ जाहिर होता है ये एक औपचारिकता है जो इन्होंने कल निभानी है। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है और जिस तरीके के मिलीभगत के दौरान जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि उनका मुकाबला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो इस सारी चर्चाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ मजबूरियां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की रही होंगी इस गठबंधन को लेकर और कुछ मजबूरियां उनकी जो लोग इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं ये सारे। यानी जेटली साहब आप ये कह रहे हैं कि कल केवल औपचारिकता निभाई जाएगी आपके हिसाब से? बिल्कुल औपचारिकता निभाई जाएगी क्योंकि जो भी इनका कमिटमेंट था व्यक्ति विशेष के साथ इस गठबंधन में, हो सकता है उस व्यक्ति विशेष का कहीं ना कहीं पे वो सरेंडर करते जा रहे हैं और उनके सरेंडर करने के साथ साथ भी इनका गठबंधन फीका पड़ता जा रहा है। ठीक है, संध्या बजाज को चर्चा में लाना चाहेंगे। संध्या जी, राहुल जी आपसे हम जवाब लेंगे। जब बार बार आप ये सुनते हैं कि हम समीक्षा करेंगे तो वो क्या आपके हिसाब से समीक्षा क्या है गठबंधन की, किस बात की समीक्षा होगी या होनी चाहिए? प्लस हम ये भी जानना चाहते हैं कि सुषमा जी की प्रतिक्रिया हम सुनवा रहे थे, उनका एक बयान, क्या अभी वो स्थिति आपके हिसाब से बची है? वही 45-45 सीटें, चाहे किसको कितनी ही सीटें मिले, और कुलदीप बिश्नोई अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो उसके मुख्यमंत्री? जी राजीव जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा कि सुषमा जी कह रही थी कि चट्टान की तरह मजबूत है और हमेशा रहेगा, तो चट्टान पे थपेड़े पड़ते रहते हैं पर चट्टान टूटती नहीं है कभी भी। और इनका तो धर्म है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को मानने वाले लोग हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं लगाते। फिर कहते भी हैं इनके बारे में बता रही हैं या इनके उसूलों के बारे में? उसूलों के बारे में तो मेरे को समीक्षा जो हो रही है सब लोग कहते हैं हमने अपनी रिपोर्ट याद दिला रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा नहीं करना, कल ऐसा नहीं करेंगे लोग। और दूसरा ये है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखियचारी। अगर थोड़ा सा संकट आया है और उस समय आप लोगों में ये चर्चा छिड़वा दें कि देखो जी गठबंधन टूट रहा है 50 में से 39, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संध्या जी हमारा सवाल ये है, इसके लिए तो बीजेपी के नेता ही जिम्मेदार है। क्या आप बीजेपी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे? ये चर्चा की शुरुआत हुई कहां से? इसके लिए जिम्मेवार है कांग्रेस और इनेलो जो अफवाहों में विश्वास करवा के लोगों को ये तय करती है कि किस तरह कमजोर किया जाए ऐसी पार्टी को जो आने वाली है, आ रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो कैसे कमजोर किया जाए सिर्फ अफवाहें फैला के। कि देखिए जी अफवाहें फैलाई कुलदीप के इलेक्शन में प्रकाश सिंह बादल ने दिया, जो बयान खट्टर साहब ने दिया, जो बयान अश्विनी मीना ने दिया, रामविलास शर्मा जी ने जो बयान दिए, वो सबके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। संध्या जी देखिए ऐसा है, ये जो है इस तरीके की अफवाहें फैला फैला के उकसाते हैं ऐसे लोगों को। हम तो उन बयानों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं ने दिए। देखिए बीजेपी के जो नेतागण हैं वो उनको लोग जो पब्लिक जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, इनेलो के लोग, दूसरे लोग, ये लोग करते होंगे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता है, वो कहीं इधर उधर की बात भटकाव नहीं कर रहे हैं, ना वो हरियाणा के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं जैसा कि जवाहर जी ने बोला। जब हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो कोई हमसे कैसे खिलवाड़ करेगा, कैसे हिम्मत करेगा, ये मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है। तो समीक्षा होती है तो सिर्फ यही समीक्षा होगी कि हाँ हंजका और बीजेपी एक है। और हजका जानती है कि भजनलाल जी को धोखा किसने दिया था। ठीक है राहुल, संक्षेप में प्रतिक्रिया, फिर अजय जी के पास जाएंगे। जवाहर जी के कुछ ना फार्मूले हैं और ये अपनी पार्टी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत, मेरे पे चर्चा करनी है या कोई व्यक्तिगत नहीं, अगर मेरे पे व्यक्तिगत, मेरे पे नहीं नहीं चर्चा करनी है, व्यक्तिगत नहीं, आप प्रतिनिधि हैं, आप बैठते हैं तो आप ये कोई चेहरा बैठ के राहुल अपनी बात कह सर, समय कम, मेरे पे चर्चा करें, आप बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं नहीं आप प्रतिनिधि नहीं, आपके जुमले हैं, आप प्रतिनिधि हैं, जब स्टूडियो में बैठते हैं तो सब लोग वही हैं, वो आपने दिए होंगे जुमले, नहीं आपके जुमले पे अपनी बात करें सर। ये बात कर रहे थे, पहले इनकी बात का जवाब देते क्योंकि ये एक घंटे की बहस में 55 मिनट खा जाते हैं। राहुल अपना बयान, इनके ये बार बार इनकी आदत है उस समय को खराब करने की। इन्होंने बात अगर आपको यही स्तर रखना है, तो अगर इनको इसी स्तर से रखना है, क्योंकि अगर झूठ बोलने की नहीं करनी है, व्यक्ति सुन लीजिए, अगर 55 मिनट लेता हूं तो मुझे बुलाना नहीं चाहिए, सुनते ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं मैं 55 मिनट लेता
अगर ये इसी तरीके से समय खराब करते हैं खुद कोई व्यक्ति बीजेपी को ना बुलाए अगर इनको ऐसा स्तर रखना है तो हम भी इनके साथ आके राहुल अपनी बात कहें ठीक है ना जहां तक इन्होंने बात की क्योंकि ये फिर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके आप से अपनी बात की, बार आप अपनी बात इस तरीके से इन्होंने आदत में शुमार कर ली। दूसरी इन्होंने कहा कि शरद पवार जी की बात की, इन्होंने शरद पवार जी की बात करी तो ये हमारे गठबंधन धर्म को दर्शाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति कोई उन्होंने पार्टी से अलग होकर किसी मुद्दे के ऊपर हुए तो उसके बाद भी अगर प्रदेश के हित में अगर महाराष्ट्र में 15 साल तक अगर किसी ने गठबंधन चलाया है तो उन्होंने अपनी निजी चीजों को सामने नहीं रखा, उस सफलता के साथ हमने 15 साल तक गठबंधन का धर्म को निभाया है। उसके बाद अगर ये बात करते हैं उस गठबंधन धर्म को नहीं निभाने की कि किसी व्यक्ति ने विदेशी मूल को किया, और शरद पवार जी ने जब गठबंधन हुआ उसमें तुरंत कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने अपने गठबंधन धर्म को निभाया, ये अपने गठबंधन धर्म को सोचे ये निभाए या ना निभाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम जरा अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। अजय जी, भविष्य तो आपने बताया और आपने ये भी कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी खुद नहीं चलना चाहती इस गठबंधन के साथ, अगर मगर में चूंकि अगर हम बात करें तो क्या स्थिति दिखती है, क्या विकल्प फिर कुलदीप बिश्नोई के लिए दिखाई देते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में वापस जा सकते हैं?